तो जो ईश अनुदान है, देवानुदान है, देव अनुग्रह है, उनके कोई उपहार हैं, ये जो विभूति है हमारे पास विद्या के रूप में, वो विनय हो, किसी भी प्रकार का आकर्षण हो, कुछ भी कुछ ऐसा जो अलौकिक है, जिसमें विस्मय है, कुछ लोगों कुतूहल हो आपको देखकर, वो अचंभित हो किसी भी चीज से, वो भगवत प्रसाद है, ऐसा गोपियां कहते हैं। उनके कारण प्रसाद है ये, अन्यथा तो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, और पदार्थों की प्रचुरता कभी भी प्रसन्नता का कारण नहीं बनती। वस्तुओं की बहुलता से वैभव नहीं आता, तृप्ति नहीं आती। जो प्रसन्नता है वो विचार सापेक्ष है, चिंतन सापेक्ष है, प्रसाद सापेक्ष है। चिंतन से आएगी, विचार से आएगी, वो प्रसाद सापेक्ष है, पदार्थ सापेक्ष नहीं है। अगर पदार्थों की प्रचुरता हो, वस्तुओं की बहुलता हो, भूमि विस्तार हो, वाहनों की कतार हो, अनुचरियों का झुंड हो, अट्टालिकाएं हो आपके पास, कुछ वैसा जिसे देखकर लोगों में कुतूहल आए, विस्मय आए, आपके प्रति आदर पैदा हो, तो ये सब आपका नहीं है, ऐसा मानिए ये सब प्रसाद है, ये भगवत विभूति है। इतनी विनम्र है, इतनी अकिंचन है, अकिंचनता बड़ी चीज है। अक्रूर जी लेने आ गए भगवान को, मथुरा गए वो, कंस अपनी क्रूरता से तो प्राप्त नहीं कर सका कृष्ण को, अब अक्रूर जी भेजे अपनी किसी कुटिलता से, किसी योग युक्ति से। प्रसादा शिखरारूढ़ा प्रीतिम प्रीताम्बुज मुखाम्बुजा उल्लसिता, प्रसादा शिखरारूढ़ा वो सब उसका आदर कर रहे हैं। कृष्ण का आगमन, चौक पूर रहे हैं अंदर से, वंदनवान स्तुति, मधुर मिष्ठान पकवान व्यंजन, भय के कारण बाहर नहीं निकल रहे हैं। कथा के विस्तार का भय मुझे दिख रहा है, इसलिए बहुत संकेत में कह रहे हैं हम कि भगवान ने वो कूट शल तोशल चाणू मुष्टिक कुवलिया पीढ़ वो हाथी, ये सब धराशायी हो गए। फिर कोई भ्रांति भय संशय, ये बाहर की सब चीजें, कोई असत व्यापार टिक नहीं पाता उसके सामने। परमं प्रधानं पुरुषं महंतं कालं कविं त्रिव्रतं लोकपालं, वो प्रधान पुरुष है, महंतं कविं त्रिव्रतं लोकपालं, कालं काल ही पहुंच गया कंस के पास। भगवान को लगा कि इसका अंतःकरण शुद्ध हो पहले, इसके वध से पहले, इससे पहले मैं इसके केश पकड़ कर खींचूं, इसके गर्व से भरे हुए मस्तक पर मुष्टिक प्रहार करूं, हठीले वक्षस्थल पर मेरे पदप प्रहार हों, वो उद्धार करने के लिए, भगवान की उद्धार के लीलाएं हैं वो। ये ध्यान रखना, विष्णु संहार कभी नहीं करता, वो वध करता है और उसमें समय देता है सुधरने के लिए। विष्णु संहार नहीं करते, वध संहार शिव करते, दुर्गा संहार वो करते हैं जब मूल्य ध्वस्त हो जाए,
तब उनके तृतीय नेत्र में कोई कंपन पैदा होता है और फिर महाप्रलय के बीज अंकुरित होने लगते हैं, फिर तांडव महादेव का। लेकिन ये तो सुधरने का अवसर देते हैं कि व्यक्ति अपने दोष देख ले, वो किसी भी प्रकार से उसमें शुद्धि आए, पवित्रता आए। इसलिए हमारे जितने भी साधन हैं वो दो प्रकार के ही तो हैं साधन, वो इस बात के लिए भी है कि हम प्राश्चित कर लें और प्राप्ति के लिए भी। पर वो प्राश्चित कर नहीं सका, प्राश्चित के लिए शास्त्र कहते हैं पाप की पुनरावृत्ति ना हो, यही प्राश्चित है। पर वो तो बार बार पाप कर रहा था, देवकी के सभी पुत्रों की हत्या कर दी, उसने तो कितने पापों की पुनरावृत्ति की, वो शकटासुर को भेजता रहा, पूतना गई, वहां कितने असुर गए, वो निरंतर ऐसा पापात्मा मूढ़ आत्मा। भगवान को लगा इसके हृदय में और फिर इसके रोम रोम में मैं रमा हूं और जगूं, तो अपनी नखों से अपने अपनी देह को चीरने लगा कि कृष्ण तू मुझ में छुप गया। एक जगह ऐसा भी लिखा है कि भगवान उसमें रम गए कि एक बार इसका हृदय शुद्ध हो, ये मुझे देख तो ले कि मैं कौन हूं, मुझे समझ तो ले ये।